नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मुंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है क्वेश्चन बैंक 2021 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इसके कुछ वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। दूसरी जानकारी कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जो भी मुझसे हो रहा है सभी सब्जेक्ट का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन बैंक आप तक प्रोवाइड कर पाऊँ। जो क्वेश्चन मुझे कन्फर्म रहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं हल कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और उन वीडियोज़ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करा प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 5 है आपकी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जैसे पहला दिया गया है, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन है, जब सागर मांग माफ कीजिएगा जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है तो मांग के अतिरेक की बनती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे का आशय संतुलन की स्थिति में रहता है तो साम्य की रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो आपके अगले जो क्वेश्चन दिए गए हैं दो अंक वाले हैं, तो इनको आप खुद सेल्फ स्टडी कर इनको अच्छे से तैयार करें। आप क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 की बात करें तो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तो कौन कौन से दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है, स्टॉक एक विशेष पर मापी गई मात्रा होती है तो समय की। अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है तो मध्यवर्ती। स्थायी संपत्तियों के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होने वाली हानि कहती है तो मूल्यह्रास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार द्वारा खरीदी गई कार वस्तु कहलाती है तो अंतिम वस्तु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय के आकलन में भुगतान शामिल नहीं रखते हैं तो मध्यवर्ती। अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करें मध्यवर्ती वस्तुओं के होगा इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है दो अंक वाले हैं इनको आप खुद स्टडी करें। अब बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की, है ना। तो ये भी 5-5 नंबर के दिए गए हैं, सोल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे ही सोल्व हो जाते हैं हम अब तक प्रोवाइड करने का प्रयास करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो जैसे इसमें दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, जैसे मूल्य का संचय होना, मूल्य का मापन होना, आय का वितरण होना है, भावी भुगतान। तो ऑप्शन नंबर 2 मूल्य का मापन होना इसका आंसर सही रहना चाहिए, है मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एक रुपये का नोट निर्गमित करता है तो भारत सरकार करती है, ऑप्शन नंबर 7। चौथा है, जनता का बैंक कौन सा होता है तो व्यापारिक बैंक होता है, ऑप्शन नंबर 1। व्यावसायिक बैंक तो आप ब और स दोनों, ब कौन सा है, ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक अंक के क्वेश्चन है। इसे मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान केंद्रित है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की और चले हम तो रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है। अगला सही जोड़ियां बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे जमा स्वीकार करना तो इसका आंसर होगा व्यापारिक बैंक। जनता का बैंक होता है तो वो व्यापारिक बैंक होता है और सरकार का बैंक होता है तो RBI। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन होता है और प्राचीन भारत में सिक्कों को दाम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन ये बचे हुए हैं हमने लेसन नंबर 7 तक अभी कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देखिएगा और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको हम जल्दी ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।